नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, आज मैं एक चुड़ैल की कहानी सुनाता हूं। आपने चुड़ैलों की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन ये थोड़ी सी हटके है। ये एक ऐसी चुड़ैल की कहानी है जो आपको धन संपत्ति, दौलत, सुख, शांति, ऐश्वर्य, उत्तम स्वास्थ्य, ऐसे सुंदर सुंदर आशीर्वाद दे करके जाती है यदि आप इसे याद करते। कहने को नाम इसका चुड़ैल है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी शक्ति है और बहुत ही प्यारी और शुद्ध शक्ति है। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है और ये एक देवी शक्ति है। बात यह है कि हमारे यहाँ किसी समय में थोड़ा मार्बल का काम चल रहा था, तो मार्बल का काम करवाने के लिए बूंदी से कोई कारीगर आए हुए थे। उन कारीगरों का एक बेस्ट कारीगर था, एक ठेकेदार था उनका, ठेकेदार बोलते हैं, उसका नाम था वीरेंद्र बल्ला। वीरेंद्र बल्ला ने हमको एक कहानी सुनाई और उस कहानी की हमने पड़ताल की। वो कहानी एज इट इज आज मैं आपको सुनाता हूं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप वैसा करना, और आप वैसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इतना बड़ा लाभ जीवन में प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। वीरेंद्र बल्ला ने हमको सुनाया, हमको बताया ये बात कि जैसे आसाम में जो मयोंग नाम का शहर है वो तंत्र मंत्र के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसी तरह से राजस्थान में बूंदी नाम का जो जिला है वो भी तंत्र मंत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बूंदी में तंत्र मंत्र, काला जादू, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर गहन अध्ययन किया जाता है और लोग बड़े चाव से इस काम को करते हैं और सिद्ध होते हैं, सिद्धस्थता हासिल करते हैं। उस बूंदी से नॉर्थ साइड में 45 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में एक मालथा नाम की औरत रहती थी जो अपने पति और तीन बच्चों के साथ रहती थी। उनके घर में एक सुंदर सी बकरी थी जिस बकरी से भी वो बड़ा प्रेम करती थी। मालथा एक मजदूर परिवार से थी, दैनिक लोगों के यहाँ कार्य करके, खेतों में कार्य करके, जंगल से लकड़ियाँ बिन करके, ऐसे छोटे छोटे कार्य करके कुछ पैसा और कुछ धन, कुछ अनाज वगैरह लाती थी गांव से और अपना गुजारा करती थी, अपने परिवार को चलाती थी। उसका पति भी यही काम करता था, वो भी यही काम करती थी। मालथा में एक कमजोरी थी कि मालथा बड़ी सुंदर थी। गरीब की सुंदरता उसके दुश्मन होती है, अमीर की सुंदरता उसका गहना होती है। गरीब लड़की के पास यदि सुंदरता हो तो उसके लाखों दुश्मन बन जाते हैं, लाखों उसके मार्ग में कांटे बिछाने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। मालथा के साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी। उस गांव में रहने वाले बहुत सारे मनचले लोग मालथा के आगे पीछे घूमने लगे, मालथा को पटाने के लिए, मालथा के साथ रात बिताने के लिए, मालथा को अपनी बनाने के लिए, ऐसे होड़ सी लगी रहती थी लोगों में। लेकिन मालथा लच्छी नाम की एक देवी थी, उस देवी की भक्त थी। अब मैं आपको बताता हूं कि लच्छी जो नाम है ये अपभ्रंश का नाम है, उसको भी पता नहीं था कि वो किसकी भक्त है। आज मैं आपको बताता हूं कि जो जिस देवी की वो भक्ति करती थी उस देवी का नाम है लक्ष्मी, और लक्ष्मी को वहां की लोकल भाषा में लच्छी कहते हैं, लच्छी देवी। तो लच्छी देवी की जो भक्त थी और अच्छी भक्त थी, अच्छी साधना करती थी, उसे पता नहीं था कि लक्ष्मी देवी क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो माताजी मान करके उनकी सेवा करती थी और बड़ा आदर भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी पवित्रता पूर्वक उनकी सेवा किया करती थी। गांव में कुछ दबंग लोग भी थे जिनके यहाँ भी उसको जाना पड़ता था रोजगार के लिए। उनमें से एक आदमी था जो गाँव का सिरमौर था, प्रधान था, ठाकुर टाइप था। वो उस आदमी की भी मालथा पर बुरी नजर थी, तो उसने मालथा को कई बार ट्राई किया लेकिन मालथा उसे अपने जाल में फंसती हुई दिखाई नहीं दी। तो उसने ऐसा सोचा कि मालथा के जो पतिदेव जिंदा है जब तक, तब तक मालथा हमारे पास नहीं आ सकती। हो सकता है पति से डरती हो, हो सकता है कुछ पति को पता नहीं चल जाए ऐसा समझ करके, या कुछ ऐसा फीलिंग रखती हो। तो उसने क्या किया, जहर खिलवाकर अपने गुर्गों से, अपने गुंडों से उस पति को मरवा दिया। मालथा का पति मर गया, लेकिन मालथा अब भी अपने तीन बच्चों के साथ और बकरी के साथ अपना जीवन यापन कर रही है, वही मेहनत कर रही है, वही बच्चों को परवरिश देने की कोशिश कर रही है। वहां के बुरे लोगों ने यह सोच लिया कि जब तक इसके बच्चे जिंदा हैं शायद तब तक ये हमारे चंगुल में नहीं आ सकती,
तो ठाकुर के साथ मिलकर के कुछ गुरुओं ने, कुछ वहां के बुरे लोगों ने उसके बच्चों को भी जहर दे करके मरवा दिया। अब मालथा के पास मालथा और मालथा की बकरी दो चीजें बची थी। मालथा अपनी बकरी के साथ भगवान की भक्ति करती थी, लक्ष्मी माँ की भक्ति करती थी और अपना जीवन यापन करती थी। अब मालथा को ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं थी, इसलिए ठाकुर के घर भी आना जाना नहीं पड़ता था। अब मालथा अपने जीवन को परमात्मा में लगाए एक ही स्थान पर बैठी बैठी भक्ति करती थी, थोड़ा बहुत काम कर लेती थी जिससे उसका गुजारा हो जाता। ठाकुर ने यह समझा कि मालथा अब तो किसी हालत में के चक्कर में नहीं आने वाली। तो गांव में एक आदमी का नौजवान बेटा मर गया, बेटा मर गया, तो ठाकुर ने कुछ लोगों को ऐसा सिखाया पढ़ाया कि आप ऐसा गांव में हवा फैलाओ कि ये मालथा जो है वो डायन है, चुड़ैल है, डायन नहीं सॉरी चुड़ैल है, मालथा चुड़ैल है और मालथा सबके बच्चों को खा रही है। देखो कुछ दिन पहले उसका वो मर गया, उससे पहले वो मर गया, इन सबको मालथा ही मार रही है, अपने पति को खा गई, अपने तीन बच्चों को खा गई, ये ऐसे थोड़ी मरे हैं, इनको तो मालथा ने खाया है। अब मालथा, मालथा का ये दुष्प्रचार गांव में फैल गया, फैल गया तो गांव के लोगों ने, जो बुरे लोग थे उन्होंने, अच्छे लोग थे वो चुप थे, बुरे लोग थे वो एक्टिव थे, जो बुरे लोग थे वो संगठित हुए, उन्होंने कहा कि मालथा को दंड देना चाहिए। तो उन्होंने मालथा को ये कहा कि तुम चुड़ैल हो और तुम हमारे सबके बच्चों को खा रही हो, तो हम तुम्हें दंड देंगे। तो उसे एक पेड़ से बांध दिया गया और पत्थरों से उसे मारना शुरू किया। कुछ देर तक मालथा चिल्लाई कि मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, मैंने क्या किया है, मैं निर्दोष हूं, मेरी जान छोड़ दो, मुझे मत मारो। लेकिन इन गुहारों का उन दुष्टों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उन्होंने पत्थरों से पीटना अपना जारी रखा, पत्थरों की बारिश मालथा पर जारी रखी। इतना होने पर मालथा पर चोट पड़ती जा रही थी और मालथा विनम्र प्रार्थना किए जा रही थी, रो रो के प्रार्थना किए जा रही थी। अंत में मालथा ने प्रार्थना करना बंद कर दिया और मालथा जोर से हंसने लगी। मालथा को इतना जोर से हंसता देखकर गांव के जो दबंग लोग थे, जो गुंडे लोग थे, जो मालथा पर बुरी नजर रखते थे, वो सब एकदम सहम गए और अपने पत्थरों को हाथ में रोक लिया। मालथा जोर से हंसी तो हंसी के साथ मालथा के शरीर से आग प्रकट हुई और जिस पेड़ से मालथा बंधी थी वो पेड़ समेत धू धू करके एक विशाल अग्नि में परिवर्तित हो गया। उस रात दीपावली थी और दीपावली की रात को मालथा ने अपने शरीर को नष्ट कर लिया, अपने शरीर को नष्ट कर लिया। नष्ट करने के बाद में वो पेड़, उस पेड़ की सारी राख एक ढेर के रूप में वहां तब्दील हो गई और मालथा के शरीर की हड्डियां भी उन राख में से कहीं कहीं बाहर झलकने लगी। ऐसा लगने लगा कि हाँ, मालथा की हड्डियां इनमें है। लोग सहम गए, डर गए, गुंडे मवाली अपने अपने घरों को भाग गए, दुबक के बैठ गए। जिनको दीपावली मनानी थी वो तो दीपावली मना रहे हैं और सब मना ही रहे हैं, किसको मालथा की पड़ी थी। लेकिन अब तूफान शुरू हो गया, अब उस गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया और एक एक करके जितने भी बुरे लोग थे सब इस प्रकार से मरने लगे कि कोई आदमी जब अपने घर से बाहर चलता है, सड़क पे चलता है, तो अचानक उसके सामने राख का एक ढेर आके पड़ता है, तो राख पड़ती है, उस राख पर जैसे ही वो पैर रखता है, क्योंकि चलता हुआ आदमी एकदम पैर को रोक नहीं सकता, उसको पता नहीं चलता कि पैर को रोकना है कि नहीं रोकना, तो जैसे ही पैर रखता है, पैर रखने के साथ साथ वो तुरंत बीमार हो जाता है और तड़प तड़प के मरता है। इस बात से गांव में खौफ का माहौल फैल गया और जो ठाकुर था उसके तीन बच्चे थे, वो तीनों बच्चे मर गए, भाई वगैरह सब मर गए, पूरा परिवार मर गया और ठाकुर बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया। तड़प तड़प के अपनी जान देने की वो मिन्नतें मांगने लगा परमात्मा से कि अब तो मर जाऊं तो बढ़िया, क्योंकि इतनी तकलीफ उसके शरीर में पैदा होगी जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता था कभी। न कोई सेवा करने वाला, क्योंकि उसके शरीर से इतनी दुर्गंध आती थी कि कोई भी उसकी सेवा करने के लिए उसके पास नहीं आता था, तो बड़ी दुर्गति हो गई थी ठाकुर की। इस प्रकार से उस गांव में एक कोहराम सा, एक खौफ सा फैल गया और उस गांव के लोग बड़े डरे सहमे से रहने लगे। कुछ लोगों ने यह निर्णय किया कि इस गांव को छोड़कर के भाग जाया जाए, तब मालथा छोड़ सकती है, नहीं तो मालथा नहीं छोड़ेगी। लेकिन जो लोग यहां से भागने की कोशिश करते, वैसे जैसे उस गांव की सीमा को पार करते तुरंत वो बीमार हो जाते, तो वापस लौट के आते तो ठीक हो जाते। तो मालथा ने उन सबको कैद में करके रखा था। इस तरह से मालथा ने उस गांव को मारना शुरू किया, उस गांव के लोगों को मारना शुरू किया, उस गांव के लोगों के साथ अपना बदला शुरू किया। बूंदी में एक से एक तांत्रिक, सब तांत्रिक
सब सबके पास समाचार पहुंचे, सब एक से एक तांत्रिक बूंदी के वहां आए उस गांव में, लेकिन किसी भी तांत्रिक का कोई जोर नहीं चला, उल्टे पैर भाग गए। मयंग से बुलाए गए, बंगाल से बुलाए गए, बहुत जगहों से बड़े बड़े तांत्रिकों को बुलाया गया। ये बात उस जमाने की है जिस जमाने में व्हीकल वगैरह ज्यादा नहीं चलते थे, शुरू ही हुए थे और संचार माध्यम भी ज्यादा नहीं था। उन दिनों की ये बात है, उन दिनों किसी को लाना ले जाना भी बड़ा भारी पड़ता था। इस तरह से सारे लोग, सारे तांत्रिक, काशी से विद्वान आए वो भी गए, किसी का कोई भी उपाय काम नहीं किया। मालता का बदला जारी रहा, मालता सबको बीमार पटकती, तड़पाती और तड़पा तड़पा के सबकी जान लेती। एक दिन महाराष्ट्र में रहने वाला एक मजदूर लड़का था, वो बूंदी का था और बूंदी वापस आया कई महीनों से आया, तो उसको ये समाचार मिला कि यहाँ से 45 किलोमीटर दूर एक गांव है, उस गांव में इस प्रकार की घटना हो गई है और गांव के लोग कैद हो गए, वो बाहर भी नहीं निकल सकते, अगर बाहर निकलेंगे तो भी मरेंगे, रहेंगे तो भी मरेंगे, मौत निश्चित है, इधर कुआ है इधर खाई है, मौत निश्चित है। तो उसने कहा कि महाराष्ट्र में ब्रह्मदेव नाम के एक संत है जो ज्ञानी है, ओझा भी है, ज्ञानी भी है, उनको हर चीज का पता है और बहुत सारे ऐसे कारनामे उन्होंने पहले किए, आप अगर ब्रह्मदेव जी को बुला लेते हो, ब्रह्मदेव जी को बुला लेते हो तो हो सकता है कि ब्रह्मदेव जी इस मालथा के इस प्रकोप से इस गांव को मुक्त करने में सफल हो जाए। गांव वालों ने बड़ी मिन्नतें की, बूंदी वाले भी वहां गए, बूंदी वाले वहां जाके उनसे प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव जी आप चलिए उस गांव में उद्धार कीजिए, वो गांव पूरा कैद हो गया, उस गांव में जो भी जाता है वो परेशान हो जाता है, हालत खराब हो जाती है, उसकी भाग के आना पड़ता है, कोई भी तांत्रिक, कोई भी पंडित, कोई भी गुणिया ओझा वहां कोई काम नहीं कर सका है। ब्रह्मदेव जी ने ध्यान किया और पता किया कि घटना क्या है, तो ब्रह्मदेव जी ने कहा आप जाओ मैं आता हूँ। ब्रह्मदेव जी ने अपनी बग्गी वगैरह तैयार की और तैयार करके उस गांव में पधारे। जैसे ही ब्रह्मदेव जी ने उस गांव में पैर रखा, उस गांव में हलचल शुरू हो गई, एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन शुरू हो गया, ब्रह्मदेव जी ने चलना शुरू किया, चलने के साथ ही ब्रह्मदेव जी के सामने राख का एक ढेर आके गिरा, लेकिन जैसे ही राख का एक ढेर आके गिरा, ब्रह्मदेव जी ने पैर जहां थे वहीं रोक लिए और अपनी जो झोली थी, अपना जो बैग था, कुछ भी था उनके पास, उसमें से एक डिबिया निकाल करके थोड़ा सा सिंदूर उस राख पर डाल दिया, सिंदूर उस राख पे डाल करके और सिंदूर के ऊपर से आराम से निकल गए। अब ब्रह्मदेव जी वहां गए जहां वो पेड़ था जला हुआ, जिसकी राख का ढेर था, वहां जाके उन्होंने देखा कि हाँ मामला इस तरह से है। उन्होंने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया, बोला डरो मत, कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी तुम लोग यहां से जाओ और मुझे अकेला रहने दो, लेकिन जैसे ही मैं तुम लोगों को बुलाऊं, इशारा करूं, सब पूरा का पूरा गांव यहां उपस्थित होगा, एक बच्चा भी बाकी नहीं रहेगा। गांव वालों ने कहा जैसा आप उचित समझते हैं वैसा कीजिए, क्योंकि यहां तक पहुंच गया जो इस ढेर तक, वो आदमी कुछ करामाती हो सकता है। ब्रह्मदेव जी ने वहां अपना आसन लगाया, सुरक्षा घेरा लगाया, जो कुछ भी वो जानते थे, अपने ध्यान में बैठ गए। मंत्रों का उच्चार अंदर चल रहा हो नहीं चल रहा हो, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ब्रह्मदेव जी जानते हैं, लेकिन ध्यान की मुद्रा में वहां बैठ गए। जैसे ही ब्रह्मदेव जी ध्यान की मुद्रा में बैठे तो ब्रह्मदेव जी को ऐसा महसूस हुआ कि यह हवा कुछ तेज हो गई, हवा तेज होने के साथ साथ तूफान में बदल गई हवा, और तूफान के थपेड़े ब्रह्मदेव जी को लग रहे हैं, और जोर जोर से तूफान के थपेड़े ब्रह्मदेव जी को लग रहे हैं, लेकिन ब्रह्मदेव जी तो हिमालय की तरह, अडिग हिमालय की तरह बैठे, क्या बिगाड़ लेगा तूफान उनका। तूफान से कुछ नहीं हुआ तो उस स्थान पर जहां जो सरीसृप रहते थे, बिच्छू सांप ऐसे जो आसपास के जो जंगली माहौल था, आसपास के जो रहते थे जीव, वो सारे जीव अपने अपने बिलों से निकल करके ब्रह्मदेव जी की तरफ आना शुरू हो गया, ब्रह्मदेव जी की तरफ आना शुरू हो गए, लेकिन एक भी बिच्छू एक भी सांप उनको काट नहीं पाया, किसी भी सांप और बिच्छू में इतनी हिम्मत नहीं कि वो ब्रह्मदेव जी के करीब पहुंच करके उनको काट ले, तो वो सांप बिच्छू भी अपना हिम्मत हार के वापस चले गए। अब वहां घोर गर्जनाएं होने लगी, बहुत सारे डर पैदा हुए, ब्रह्मदेव जी को भगाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ब्रह्मदेव जी तो अडिग बने, ध्रुव बने, वहां बैठे रहे, हिले नहीं। तो अब जाके जोर से चिल्लाती हुई मालथा बोली कि यहां से भाग जाओ वरना जान से मार दूंगी। ब्रह्मदेव जी कोई हो तो सुने, ब्रह्मदेव जी तो अंतर ध्यान है, ब्रह्मदेव जी तो अपने आनंद में डूबे हुए, अपने मंत्रों में डूबे हुए, अपनी साधनाओं में डूबे हुए, ऐसे आदमी को क्या कोई आवाज देकर के जगा लेगा। अपने समाधि में लीन ब्रह्मदेव जी
उस शक्ति को पूरी तरह से अपने आकर्षण में बांधे हुए हैं। वो शक्ति जोर जोर से चिल्ला रही है कि यहां से भाग जाओ, मैं मार दूंगी, लेकिन कोई आवाज प्रति उत्तर में नहीं आ रही है और ब्रह्मदेव जी का वो कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। अब जब वो अच्छी तरह से हार गई तो वो जोर जोर से रोने लगी और रो रो करके उसने कहा कि हे ब्रह्मदेव जी, आप यहां से चले जाओ, हे पंडित जी, हे महान साधु, तुम यहां से चले जाओ, तुम मुझे आराम से जीने दो। तब ब्रह्मदेव जी ने आंखें खोली और आंखें खोल करके कहा कि पहले तो तुम प्रकट हो मेरे सामने, बाकी बात बाद में करेंगे, बात ही बाद में करेंगे, पहले तो अपना रूप दिखा। तो वो बड़ी ही विवश और घनघोर रूप में, ऐसे डरावने रूप में उनके सामने प्रकट हुई। तो ब्रह्मदेव जी ने कहा कि ये तो कर क्या रही है, मतलब बदला ले रही हूं। मतलब किसका बदला ले रही है, किससे बदला ले रही है? जो तेरे अपराधी थे वो तो सबके सब स्वर्ग सिधार चुके हैं, अब तो कोई बचा ही नहीं। बोले ये जितने गांव वाले हैं इन सबको मारूंगे। ब्रह्मदेव जी ने कहा ये तो निर्दोष है, इनको क्यों मारेगी? बोले नहीं, निर्दोष नहीं, मुझे जब पीटा जा रहा था, चुड़ैल बना करके मुझे इस गांव के लोगों ने मेरी हत्या की थी, तब ये जो सज्जन लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनमें से एक भी उठ करके नहीं बोला कि मालथा निर्दोष है, इसको छोड़ दो। एक आदमी ऐसा नहीं बोला और एक आदमी ऐसा नहीं बोला, इसका मतलब पूरा का पूरा गांव दोषी है। ब्रह्मदेव जी ने कहा कि पूरा का पूरा गांव दोषी है, लेकिन अब पूरा का पूरा गांव आपकी शरण में आ, पूरा का पूरा गांव आपकी सेवा करना चाहता है, और आप क्या हो यह आपको भी पता नहीं है, क्योंकि आखिरी शब्द आपने चुड़ैल सुने, आपके मन में चुड़ैल शब्द पैदा हो गया, आपके अंदर दिव्य शक्तियां हैं, दैविक शक्तियां हैं, आप देवी हो भाई, आपके आपको चुड़ैल थोड़ी हो, लेकिन आखिरी शब्द आपने जो चुड़ैल सुना तो एक बार आपकी गति अवरुद्ध हो गई और आप चुड़ैल बन गए। आप इस चुड़ैल के बाने से मुक्त होइए और मुक्त होकर के देवी रूप में प्रकट होइए। बोलो मैं कैसे मुक्त हूं? ब्रह्मदेव जी ने कहा कि बड़ा आसान तरीका है, तुम इन गांव वालों को माफ कर दो, ये तुमसे माफी मांगेंगे, तुम माफ कर दो। उसने मालथा ने कहा कि माफी मांगेंगे तो मैं जरूर माफ करूंगी। गांव वालों को बुलाया, गांव वालों ने दंडवत प्रणाम करके पैरों में झुक करके मालथा से माफी मांगी। माफी मांगते ही मालथा ने उसको उन सबको माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। क्षमा करने के साथ ही मालथा तुरंत देवी का रूप धारण करके, जिसे माता लक्ष्मी होती है, माता लक्ष्मी का रूप धारण करके खड़ी हो गई। आज भी दीपावली का दिन था, जिस दिन मालथा का देह त्याग हुआ उस दिन भी दीपावली थी, और आज जब ब्रह्मदेव जी वहां पधारे उस दिन भी दीपावली थी। अब क्या हुआ कि ब्रह्मदत्त जी ने कहा कि देखो, आज तक तो आपने इन गांव वालों को दुख दिया, इन गांव वालों ने भी आपको दुख दिया, ऐसी कोई बात नहीं, इन गांव वालों ने आपका पूरा परिवार खा लिया, लेकिन आपने भी गांव वालों को दुख दिया, बैलेंस बराबर हो गया। अब आपकी गांव वाले सेवा करेंगे और आप गांव वालों को वरदान देंगी, आशीर्वाद देंगी, अपनी कृपा देंगी, क्योंकि कृपा देने का सामान आपके पास पहले से ही मौजूद है। आपने लक्ष्मी देवी की इतनी अच्छी सेवा की है कि माता महालक्ष्मी आपके शरीर में विचरण करती है, जो आप बोलते हो माता महालक्ष्मी बोलती है। तो अब जो देवी रूप आपका है, उस देवी रूप में माता महालक्ष्मी की सिद्धियां, शक्तियां, पावर्स आपके पास है, तो आप इन गांव वालों को आशीर्वाद दें, और जो कोई भी आपके नाम से जो बताएं वैसा कार्य करेगा तो उसको भी आप आशीर्वाद दें, आपकी जो सेवा करेगा उसे आप आशीर्वाद दें। तो उसने कहा कैसे? बोला ऐसे कि एक तो आप क्षमा कर देंगी। क्षमा करते क्या है कि ये जो आपका राख का ढेर है ना, ये तुरंत सिंदूर का ढेर बन जाएगा। तो उसने दिल से क्षमा कर दिया और देवी रूप धारण किया। देवी रूप धारण करने के बाद में जब उसने देवी अवतार धारण किया कि हाँ अब मैं सारा बना ही उतार के फेंकती हूं चुड़ैल का, तो तुरंत ही जो राख का ढेर था वो पूरा का पूरा ढेर सिंदूर बन गया, और जो मालथा की हड्डियां थी वो तांबे के सिक्के बन गए। ब्रह्मदत्त जी ने कहा कि इन सिक्कों को और इस सिंदूर को अपने अपने घर ले जाओ, और अब आपको करना क्या है, आपको जब दीपावली की रात आए, दीपावली की रात को मालथा को जो भी भोजन बने, मिठाई पकवान जो भी, वो मिठाई पकवान भोजन सहित मालथा के लाकर के वो थाली चढ़ानी, और थाली के नीचे तीन तांबे के सिक्के आपको रखने हैं, और थोड़ा सा सिंदूर आसपास छिड़क देना है। अब मालथा की एक चीज और, मालथा की बकरी मालथा को बड़ी प्रिय थी, तो आपको क्या करना है, पीतल की एक गिलास हो, छोटी हो, कोई तकलीफ नहीं, पीतल की एक गिलास में बकरी का दूध भर के उस थाली के साथ मालथा को भोग लगाना है। यदि आपने ऐसा भोग इस रात को लगाया तो आप यकीन मानो मालथा आपको इतना धनवान कर देगी जितने की आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। आपके घर में कोई भी काम अटके हुए हो मालथा सुलझा देगी। आपके घर में कोई भी काम ऐसे हो
जो पूरे होने जरूरी है तो मालता कर देगी। नौकरी नहीं आपके पास, रोजगार नहीं, व्यापार नहीं, तो मालता आपके सारे दुर्गुणों को, सारी नकारात्मकता को छीन लेगी आपसे, हटा लेगी आपसे, आपको सुख संपन्नता देगी, समृद्धि देगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मालता नहीं दे सकती, क्योंकि मालता चुड़ैल महालक्ष्मी का रूप है। तो मालता जिस समय बात हो रही थी तब ब्रह्मदत्त जी ने एक बात कही थी कि आपने गाड़ी को स्टार्ट चुड़ैल के नाम से कर लिया है, इसलिए आपको आपकी पूजा तो होगी शक्ति के रूप में, मां लक्ष्मी के रूप में, लेकिन माल था चुड़ैल के नाम से आपको भोग देना पड़ेगा, तब आप आओगी और इस देवी शक्ति में भोग लोगी। तो ये जो बात है, ये बात हमको जिसे बताई गई थी एज इट हमने रखी आपके सामने। अगर आप भी जिंदगी में कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हैं तो माल था चुड़ैल के नाम से दीपावली की रात को इस प्रकार से भोग दें, भोग दे करके मालता से प्रार्थना करें, तो आप आश्चर्यजनक रूप से अपने जीवन में उन्नति करेंगे, कोई भी बाधा आपके जीवन में नहीं रहेगी और एक साल पूरा आप सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन प्राप्ति इन सब में बिताएंगे, आपका जीवन निहाल हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। जय श्री कृष्णा मित्रों।